Hello dear learners, I am Krishangi Sharma and this session is regarding MPNTSE stage 1 social studies syllabus. Because social studies ka discussion karna yahan isliye zaruri hai kyunki baaki subjects ki agar main baat kar rahi hu science, maths ki to uska syllabus overall hota hai. Agar aapne wahan par koi bhi concept pad liya तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हो. वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एग्जाम, राइट. बट अगर सोशल का जो सिलेबस पेपर में आ रहा है वो सिलेबस आपने नहीं पढ़ा, बाकी सिलेबस पढ़ लिया, तो आप पेपर में कैसे करोगे, आपके मार्क्स कैसे आएंगे. एंड सोशल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज फॉरगेट NTSE विदाउट SST, राइट. तो हमें यहाँ SST का सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए. तो MP के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है. हमें क्या केवल NCERT से पढ़ें तो हमारा पेपर हो जाएगा, बाकी फिर जब आप PYQ जो उठा के देखते हो, क्योंकि PY कोई भी बच्चा अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो PYQs तो करेगा ही करेगा. जब वो PYQ जो उठा के देखेगा तो PYQs SCERT के अकॉर्डिंग होंगे. तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, क्या केवल NCERT पढ़ के जाएँ और हमारे एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे कहती हूँ कि अपना टारगेट 35 प्लस का बनाइए, बिकॉज पहले जो भी स्टूडेंट्स ने मेरी क्लासेज में जो रेगुलर रहे हैं उन्होंने 35 प्लस का टारगेट अचीव किया है, 38 तक मार्क्स आए हैं, तो बनाया जा सकता है ये टारगेट. तो इस बार MPNTSE के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. ऐसा थोड़ा ना है कि केवल NCERT पढ़ के जाएँ और एग्ज़ाम में बहुत सारे एस्पेक्ट से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं फिर थोड़ा ना बाद में पछताएंगे. वो एक कहावत सुनी होगी ना आपने, का वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना. मतलब फिर याद आने से क्या फ़ायदा कि काश हम वो पढ़ लेते या काश हम वो पढ़ लेते, क्योंकि NTSE एक ऐसे एग्जाम है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट लाइफ में एक ही चांस मिलता है. तो मैं आपसे कहूँगी कि जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे वो NTSE हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, अपना पूरा मतलब पूरे स्कोप के साथ करिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या नहीं आ सकती. तो यहाँ इस बार जो आपका NTSE होने वाला है MP का, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होने वाला है और उसमें आपका जो सिलेबस है मोस्ट प्रोबेबल वो क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक का सिलेबस आएगा. मतलब आप केवल 9th या 10th पर ही रिलाय मत करिए, आप क्लास 6, 7th, 8th का भी पैटर्न कवर करिएगा. क्यों ऐसा क्यों है? देखो, आप कोई बोर्ड एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे या फिर आप किसी क्लास के एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे हो. आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू इस नेशन का टैलेंट बोला जा रहा है, आप इंडियन गवर्नमेंट के एसेट बनने वाले हो, है ना. वहाँ पे ये बोला जा रहा है यू आर द टैलेंट ऑफ दिस नेशन. तो कुछ तो जो चीज़ें होंगी, जो डिफरेंट चीज़ें देखी ही जाएंगी, राइट. तो देखो, अगर मैं हिस्ट्री के एस्पेक्ट में बात करूँ तो हिस्ट्री क्लास 6 में जब आप पढ़ते हो तो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है. क्लास 7th में आपको मीडिवल इंडिया पढ़ाया जाता है. क्लास 8th में आपको मॉडर्न इंडिया और थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का इनपुट मिलता है. एंड देन 9th एंड 10th में आपको ओवरऑल वर्ल्ड जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे रूबरू कराया जाता है, राइट. तो आपका ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक का स्टडी करोगे. अब उसमें से भी हमारे NTSE पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए मैंने सेशंस बनाए हुए हैं. आप मेरे सेशंस फॉलो कर सकते हो. अभी रिसेंटली मैंने क्लास 6 का एंशियंट इंडिया का, मतलब जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 था, उसका एक सेशन भी है इस चैनल पर. उसमें मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं कि इस चैप्टर में से हमारे एग्जाम में NTSE पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. ऐसी अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो, अगर मैं फर्स्ट क्लास 6 की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा स्टार वगैरह का डिस्कशन मिलता है. क्लास 7th में अर्थ का रोटेशन, रेवोल्यूशंस, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना. मतलब इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको उन सभी क्वेश्चंस पर फोकस्ड रहना है. तो ज्योग्राफी भी आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की पढ़नी है. क्लास 10th की पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी डेटा बेस्ड आता है वो क्लास 10th से आपको मिलेगा, ठीक है. तो ये दो चीज़ कवर हो गई. सिविक्स आपको कैसे कवर करनी है? बच्चों, जो सिविक्स का सिलेबस है उसमें आपको क्लास 9th और 10th की NCERT पढ़नी है. लेकिन क्या हम केवल NCERT पढ़ के MPNTSE में 35 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं? नो.
नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जनरल सिविक्स पढ़ना होता है। आप मेरे कोर्सेज से जनरल सिविक्स को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपने जनरल सिविक्स को नहीं पढ़ा है आपके सिविक्स के क्वेश्चंस छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ जनरल सिविक्स तैयार करके जाना है। सो फॉर दिस यू कैन फॉलो माई सेशंस ऑन NDSE गाइड एंड ऑल्सो ऑन अनअकेडमी, ठीक है। वहाँ पर भी मेरी क्लासेज होती हैं, वहाँ पे जो भी प्लस कोर्सेज हैं उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे कोड के साथ, और मेरा कोड है KSFYT। ओके, तो ये चीज़ रही सिविक्स की। आपको 9th 10th की NCERT के साथ साथ जनरल सिविक्स का मेरा कोर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना कर लेते हो तो सिविक्स के 10 या 11 जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके 100% आपका आउटपुट होगा, चाहे स्टेज 1 में हो चाहे स्टेज 2 में हो, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअल वो कोर्स वहाँ पढ़ाया हुआ है। अब बात रही इकोनॉमिक्स की, हाँ मैं इकोनॉमिक्स में कहूँगी कि आप क्लास 9th 10th की NCERT पढ़ के जाते हो तो आपका इकोनॉमिक्स निकल जाएगा। क्या इतने से ही काम चल जाएगा? नहीं, अभी इतने से काम नहीं चलने वाला। आपको मध्य प्रदेश की रीजनल हिस्ट्री, रीजनल ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट के एस्पेक्ट में मध्य प्रदेश को जाना जाता है, तो उसका पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। MP में जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो भी नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ में रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुई थी उस टाइम पर मध्य प्रदेश के जो जो लीडर्स का, जिनका भी सिग्निफिकेंट रोल था, आपको उनके रोल के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं पता, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके NDSE में आएगा स्टेज 1 में बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश का सेंसस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब ये पूरा पैटर्न मिलेगा कहाँ पर, हम कहाँ से इस पूरे पैटर्न को एनालाइज करें, कहाँ से मिले? बेस्ट सॉल्यूशन है NTSC गाइड। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं सेशंस अपलोड करूँ आपको सभी नोटिफिकेशंस तुरंत ही मिल जाए और आप सेशंस को एसेस कर सको, ठीक है। एंड अगर आपने NTSC गाइड को सब्सक्राइब कर लिया है, देन आपको टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे जो भी सेशंस आ रहे हैं उनको फॉलो करना है। यहाँ SST के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप उन कोर्सेज को करते हो, लाइक मैट का सिलेबस है, अभी तक कैलेंडर हमने पढ़ाया हुआ है, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ाई हुई है, अगर आप वो लेक्चर्स कवर कर लेते हो तो वहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने का आपके NTSC में स्टेज 2 तक, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि MP NTSC वाले बच्चों को अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि उन्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, NTSC गाइड है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई भी क्वेरी आपको है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरी टेलीग्राम ID है @KrishangiSharma, आप मुझे वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, सो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइएगा कि हमारे स्टेट का सिलेबस चेंज हुआ है तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, और जो स्टूडेंट्स 2021 के एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल, अब बोलते हैं ना, एक जैसे वॉर जोन होता है ना, मतलब उस तरीके से आप उसको ध्यान रखिए, है ना, मतलब एक तरीके से एग्जाम के युद्ध में कूद पड़ो, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर लो, आपके जो भी टूल्स वगैरह हैं उनको, नोट्स वगैरह जो भी आपने बनाए उनको सामने रखो, रिवाइज करो। NTSC एग्जाम डेट आएगी तो ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, चीज़ों को रिवाइज जरूर करते रहो, ठीक है। सो आई थिंक दिस सेशन इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर ऐसा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, राइट, क्योंकि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उन्हें भी कन्फ्यूजन होगा NTSC एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग, राइट। तो इतना सारा काम आपको करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है। बाकी सेशंस अपलोड करने का काम है वो मैं आपको करूँगी, आपको गाइड करने का काम है वो मैं आपको करूँगी, अगर आपको कोई क्वेरी है उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड मैं करूँगी, ओके। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको करना है। मुझे लगता है कि अब मुझे सेशन एंड करना चाहिए, तो फिलहाल मैं एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में किसी दूसरे यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड किसी दूसरी क्लास के साथ, ओके, थैंक यू।